सतना के रामनगर के जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित बैठक में 17 सितंबर को जिले में आयोजित होने वाले विशेष वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रामनगर विकास खंड में कुल 40 टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। यहां 17 सितंबर 2021 को 10,000 डोज टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस बैठक में सतना सांसद गणेश सिंह, कलेक्टर अजय कटसरिया, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर परीक्षित, रामनगर एसडीएम थाना प्रभारी सहित संबंधित अधिकारियों से स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज हम वैक्सीनेशन अभियान के लिए काम कर रहे हैं और 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पे एक दिन में 10,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रामनगर में रखा गया है और टोटल 16 से 18 तारीख तक अभियान अवधि में 20,000 वैक्सीनेशन का हमने लक्ष्य रखा है और सभी विभाग इसके लिए पाबंद रहेंगे और सभी काम करेंगे वो ऐसा पाया गया है। 56% जिले में वैक्सीनेशन हुआ है, क्यों सर? तो वैक्सीन हमको जितनी उपलब्ध हुई है वो सभी वैक्सीन लगती गई है। अभी वैक्सीन की उपलब्धता सरकार हमको बढ़ा रही है क्योंकि वैक्सीन शेष नहीं है, जितनी वैक्सीन मिली है लगती गई है। लेकिन वैक्सीन मिलना भी एक बड़ा उपलब्धता, बहुत बड़ी चीज़ है। वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा वो मिलेगी तभी लग पाएगी, क्योंकि वैक्सीन 100% लगती रही है, उसमें कोई कमी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज़।